गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अनुराग मोर फ्रॉम अनु एजुकेशनल वीडियो चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल सेंटेंसेस के प्रेजेंट पार्ट वन के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि उनका ट्रांसलेशन कैसे करें। तो इसका स्ट्रक्चर है इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन दिस दैट ये सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट से पहले इज लगेगा, और अगर यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन दीज, दोज अगर इसमें से कोई सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट से पहले आर लगेगा, और अगर सब्जेक्ट आई होगा तो सब्जेक्ट से पहले एम लगेगा, फिर सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन लगेगा। अब हम कुछ एग्जांपल से इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। पहला है, क्या रमेश इस कॉलेज का चपरासी है? तो रमेश, सब्जेक्ट रमेश है, रमेश सिंगुलर नाउन है, तो सब्जेक्ट से पहले इज लगेगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, तो हम लोग इसको बनाएंगे इज रमेश प्यून ऑफ दिस कॉलेज। दूसरा एग्जांपल है, क्या बच्चे लाचार हैं? तो बच्चे, चिल्ड्रन, तो हम लोग सब्जेक्ट में देखेंगे कि ये चिल्ड्रन जो है प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन जब सब्जेक्ट रहेगा तो उसके पहले आर लगेगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, तो हम लोग इसको बनाएंगे आर द चिल्ड्रन हेल्पलेस। तीसरा है एग्जांपल, क्या मैं गंदा लड़का हूँ? तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से है और मैं की अंग्रेजी आई होगी, तो सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे कि जब सब्जेक्ट आई होगा तो उसके पहले एम लगेगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे एम आई अ डर्टी बॉय। चौथा है एग्जांपल, क्या वे लड़के तुम्हारे मित्र हैं? तो क्या से इस वाक्य की शुरुआत है और वे लड़के, वे का दोज और लड़के का बॉयज, दोज बॉयज जो है प्लूरल नाउन है। हम लोग स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा तो उसके पहले आर लगेगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे क्या वे लड़के तुम्हारे मित्र हैं? आर दोज बॉयज योर फ्रेंड्स। क्या तुम्हारी पत्नी बीमार है? तो तुम्हारी पत्नी का होगा योर वाइफ। योर वाइफ हम लोग स्ट्रक्चर में देखेंगे कि ये सिंगुलर नाउन है और जब सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा तो उसके पहले इज लगेगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे इज योर वाइफ इल। नेक्स्ट, अब हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इस प्रकार के वाक्यों का ट्रांसलेट हम लोग कैसे करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है इसका क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, आर, एम। जब सब्जेक्ट में ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन दिस दैट ये सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले इज आएगा, और जब सब्जेक्ट में यू, वी, दे तथा प्लूरल नाउन दीज, दोज इसमें से कोई सब्जेक्ट रहेगा तो सब्जेक्ट से पहले आर लगेगा, और सब्जेक्ट अगर आई रहेगा
तो इसके पहले एम लगेगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन साइन रहेगा। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ये किसकी पुस्तकें हैं? तो किसकी प्रश्नवाचक शब्द है, वाक्य के बीच में आया हुआ है। और किसकी के साथ पुस्तकें, नाउन जो है पुस्तकें लिखा हुआ है। तो किसकी की अंग्रेजी हुज होती है, और उसके साथ जो नाउन पुस्तकें लिखा है वो भी उसके साथ लिखा जाता है, यानी हुज बुक्स आर दीज। यह कितना दूध है, तो कितना प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है, और कितना के साथ दूध आया है। दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इस कितना की अंग्रेजी यहाँ बनेगी हाउ मच, और दूध भी इसके साथ लिखा जाएगा, यानी दूध का मिल्क हो जाएगा। तो हाउ मच मिल्क इज दिस, मेरी पुस्तकें कहाँ हैं। तो कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी वेयर। और मेरी पुस्तकें माई बुक्स, तो हम लोग इसको बनाएंगे वेयर आर माई बुक्स। चौथा है, वह कमजोर क्यों है, क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया है। तो और वह की अंग्रेजी ही होती है, तो हम लोग जो है स्ट्रक्चर में देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट ही है तो इसके पहले ई जाएगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ हम लोग बनाएंगे व्हाई इज ही वीक, क्योंकि सबसे पहले प्रश्नवाचक सब बीच में आया है, उसकी अंग्रेजी बनेगी, तो व्हाई इज ही वीक। पांचवा है, तुम्हारी कितनी कलमें हैं, कितनी कितनी प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी हाउ मेनी, और कितनी के साथ कलमें जो कि संज्ञा है, तो इसके साथ ये भी लिखा जाएगा, यानी हाउ मेनी पेन्स आर योर्स। क्योंकि यहाँ ये योर्स जो है पजेसिव प्रोनाउन की तरह कार्य कर रहा है, इसलिए ये लिखा जाएगा हाउ मेनी पेन्स आर योर्स, क्योंकि इसके बाद कोई, तुम्हारी के बाद कोई संज्ञा नहीं है, जैसे तुम्हारी पुस्तक, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, इस प्रकार की कोई संज्ञा नहीं है, इसलिए ये तुम्हारी यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है। छठवां है, अब वह कहाँ है, तो कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी वेयर, और वह की इंग्लिश होती है ही, और स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो सब्जेक्ट ही है तो उसके पहले इज लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, और इज से भी पहले क्वेश्चन वर्ड, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा अब वह कहाँ है, वेयर इज ही नाउ। अब हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में अगर ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन और दिस दैट होगा तो सब्जेक्ट से पहले इज लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट में यू वी दे तथा प्लूरल नाउन दीज दोज अगर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट में से इनमें से कोई रहेगा, तो सब्जेक्ट से पहले आर लिखा जाएगा, और अगर सब्जेक्ट में आई रहेगा तो उससे पहले एम लिखा जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाएगा, और नॉट के बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर क्वेश्चन साइन। इस स्ट्रक्चर को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है, क्या वह लड़की कमजोर नहीं है,
तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से है, तो क्या की क्या से है, और वह लड़की का दैट गर्ल होगा, जो कि स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि ये दैट गर्ल सिंगुलर नाउन है, तो सब्जेक्ट से पहले इज लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहां हो जाएगा इज दैट गर्ल नॉट वीक। दूसरा एग्जांपल है, क्या वह स्वस्थ नहीं है, तो इस वाक्य की शुरुआत क्या से हुई है और वह की अंग्रेजी ही होगी, और स्ट्रक्चर में हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट ही होगा तो उसके पहले इज लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ होगा इज ही नॉट हेल्दी। तीसरा है एग्जांपल, तुम क्यों तैयार नहीं हो, तो इसमें इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है, क्यों, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी व्हाई, और तुम की अंग्रेजी यू होती है, तो स्ट्रक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि सब्जेक्ट अगर यू होगा तो सब्जेक्ट से पहले आर लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी व्हाई आर यू नॉट रेडी। चौथा है एग्जांपल, वे लोग क्यों उपस्थित नहीं हैं, तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है और इसके साथ नहीं भी लिखा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसमें क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, क्यों का हो जाएगा व्हाई, और वे लोग का होगा दे, और स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं कि अगर सब्जेक्ट दे है तो उसके पहले आर लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर ऑब्जेक्ट। तो हम लोग इसका ट्रांसलेशन ऐसे बनाएंगे, व्हाई आर दे नॉट प्रेजेंट। पांचवा एग्जांपल है, तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो, तो क्यों प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है और इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनेगी व्हाई, और तुम की अंग्रेजी होती है यू, और हम लोग स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट यू होगा तो उसके पहले आर लिखा जाएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट और ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन बनेगा व्हाई आर यू नॉट ए डॉक्टर। छठवां है, मैं कैसे एक अच्छा आदमी नहीं हूँ, तो कैसे प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आया हुआ है, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी हाउ, आई मैं का आई होता है और ऊपर हम लोग देख चुके हैं स्ट्रक्चर में कि आई सब्जेक्ट होगा तो उसके पहले एम लगेगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, तो हाउ एम आई नॉट अ गुड मैन। तो बच्चों आज यहीं तक, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन भी दबाएं, जिससे कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।